Hello viewers, welcome to EQ International Magazine, India's oldest and leading solar media. And today we have Mr. Ishwar Dholakia with us from Birdy Solar. A very warm welcome to EQ. Thank you very much. Sir, थोड़ा सा हमें Birdy के बारे में बताएंगे, past journey of Birdy and what are your achievements till now in the solar industry itself. आज Birdy Solar 2011 में हम लोगों ने 10 मेगावाट से स्टार्ट की थी जर्नी, और आज भगवान की कृपा से अभी अगले मंथ 4000 मेगावाट का प्लान हम रीच कर देंगे, तो 4000 मेगावाट। और हमारा इंडिया में जो ब्रांड है वो क्वालिटी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर से हम लोग जाने जाते हैं। और क्यों हम इतना क्वालिटी करें, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो डायमंड ज्वेलरी बिजनेस से है हमारा, और उसमें से हम लोग ये रिन्यूएबल एनर्जी में आए और बहुत हार्ड वर्क किया है और इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग किया कंपनी ने बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। तो क्वालिटी बनाने से क्वालिटी पीपल आपको मिलेंगे और बिजनेस में आपका अच्छा खासा काम होता है। लोग ढूंढते ढूंढते आते हैं, लोगों को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, क्योंकि यू आर मेकिंग क्वालिटी बराबर। और आगे हम लोगों का क्वालिटी क्यों बनता है, क्योंकि हमारा खुद का स्किल सेंटर भी है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, देश को एक जो विजन दिया है कि भाई मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया तो है पर स्किल इंडिया, तो स्किल इंडिया के अंतर्गत हम लोगों ने हमारा खुद का स्किल सेंटर भी है। उसमें 4 बैच ऑलरेडी खत्म हो गए, उसमें से 80% लोग हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसे सेम हमने जो जो एलएनटी है उनके साथ में भी हमारा एमओयू है, नेशनल स्किल डेवलपिंग सेंटर के साथ में है, और हमारा जो मदर कंपनी एसआर के नॉलेज फाउंडेशन उनके साथ में भी हम लोगों ने एमओयू किया। तो हमारा 3-4 जगह पर हमारा स्किल सेंटर का हमारा काम ऑलरेडी शुरू हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो हो रही है इंडिया में। तो आज हमारी जो जर्नी है वो खाली मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करने, क्वालिटी मॉड्यूल लेकर क्वालिटी पीपल को क्रिएट करना है, देश को अच्छे लोग देना है, वो भी हमारा फोकस्ड एज वेल एज यू आर मोर फोकस्ड ऑन स्किल डेवलपमेंट एज वेल दैट यू आर टेकिंग अलोंग। दैट्स अ वेरी गुड आईडिया सर दैट यू आर टेकिंग। थैंक यू सर। इफ आई टॉक अबाउट द प्रोडक्ट ऑफरिंग फॉर दिस आरईआई 2023, तो आपने क्या कुछ नया इस बार लेकर के आए हैं, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। ओके, हमने इस बार टॉपकॉन जो टेक्नोलॉजी है उनका हमने लॉन्च किया है, और टॉपकॉन टेक्नोलॉजी नहीं है इंडिया में और अदर देशों में से तो एक दो साल से चल रही है। उससे फायदा क्या होगा कि उससे 20-25% जनरेशन ज्यादा आएगा, तो जो बड़े जो प्लांट लगते हैं उसमें जो लैंड की जो खपत है वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो और आज भी लैंड का प्राइस भी बहुत लगता है, तो इतना जो प्रोजेक्ट हो वायबल जल्दी होगा, क्योंकि लैंड की कॉस्ट कम लगेगी और प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो आज हमने और ये जो टेक्नोलॉजी हमने लॉन्च यस्टरडे की, इतना रिस्पांस है और इतने पब्लिक है, आप देख सकते हैं कि जगह नहीं है हमारे बूथ पर खड़े रहने की। तो और हमारे जो क्लाइंट है और नए भी क्लाइंट आ रहे हैं, और आज सुबह से भी इतना रिस्पॉन्स अच्छा है कि तो थैंक्स टू गॉड। एंड हमारी जो टीम है बहुत होशियार है, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनकी ये हार्ड वर्क में से हमारा कंपनी चलता है, और आपको देख रहे हैं कि इतना भीड़ भी है। तो इस टेक्नोलॉजी हमने नया लॉन्च किया है, और हमारा पहले से रहा है जो हमने 12 सालों में जब जब नई टेक्नोलॉजी आया तो Birdy Solar ने उसको एडॉप्ट किया है, और हमने एवरी ईयर कुछ ना कुछ नया देते आ रहे हैं पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को टेक्नोलॉजी में। दैट्स ग्रेट सर। अभी कोई नेक्स्ट कमिंग ईयर के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजीज हैं, कोई प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में हैं, और जो कोई नए प्रोजेक्ट्स आप लेकर के आने वाले हैं? हमने लास्ट ईयर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट हमने किया था कि भाई हम लोग 2025 तक मीन्स 25-26 के अंदर हम लोग 5000 लोगों को जॉब क्रिएट करेंगे, और बड़ी बात है। और उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये भी हमने
कमिटमेंट टू द इंडस्ट्री कि भाई 6000 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग लाएंगे और 5000 मेगावाट का सोलर सेल बनाएंगे। तो मैं आज की बात करूं तो हमारा ऑलरेडी 4000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हमारा हो गया है मशीन, तो प्रोडक्शन भी शुरू हो गया, तो हम लोग बहुत नजदीक है जो 6000 का टारगेट में। रही बात सोलर सेल की, वो भी हम बहुत वेरी सुन टाइम में हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हमारा 1-2 साल का इसलिए थोड़ा डिले क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रहा है। अभी अदर कंट्री यूरोप एंड अमेरिका में जो चाइना में टेक्नोलॉजी ना फास्ट मूविंग, तो इसके लिए हम लोग अभी वेट करके बैठे हैं, मगर वेरी सुन वी स्टार्ट अवर सोलर ऑन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये टेक्नोलॉजी का है और मेन पावर का भी। आज हमारा 3000 लोग हमारे फैक्ट्री में आज काम कर रहे हैं, जो हमने 5000 लोगों का बोला था तो 3000 ऑलरेडी हमने अचीव कर लिए है। तो गोल्डी सोलर इज ऑन वे टू रीच अवर टारगेट। We also wish all the success to you, sir. And moreover, if I talk about the expansion, तो सर कौन कौन से लाइक खाली इंडिया में हम कौन कौन सी स्टेट्स को कवर कर रहे हैं एज वेल एज इंटरनेशनली हम कौन सी कंट्रीज को कवर कर रहे हैं, सो अ ब्रीफ अबाउट दैट एज वेल। अभी हमारा 3 देशों के अंदर हमारी बात चल रही है। एक तो अमेरिका में हमारा बात हो रहा है, वहां पर हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और फिर ओमान में भी हमारा बात शुरू है, एंड जो सऊदी अरबिया के साथ में भी हमने अभी एमओयू साइन किया वहाँ की जो डेजर्ट टेक्नोलॉजी के साथ में। अभी जो G20 के अंतर्गत ये जो इवेंट्स था उसमें हमारा जो डेजर्ट टेक्नोलॉजी साथ में हुआ कि हम लोग उनको मॉड्यूल सप्लाई करने वाले हैं और इन फ्यूचर आगे भी वहाँ मॉड्यूल और सोलर सेलन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा हमारा प्लानिंग 3-4 देशों में अभी शुरू है, नजदीक के टाइम में हम आपको अच्छी कुछ खबर देंगे। That's great, sir. And I would like to let our viewers also know about the like the number of business like people are doing businesses day by day. They are the numbers are increasing who are doing the business, but there are very few who are returning to the like giving in return yeah to the society as well. And Goldie is one of them. Like we got to know. So, can you just enlighten upon that? Like, what kind of CSR activities Goldie is doing? Thank you very much for asking this question. क्योंकि लोग बात करते हैं इंडस्ट्री की नंबर की बात करते हैं मीडिया, मगर आपने 2 दिन में मैंने जितने भी इंटरव्यूज किए ये प्रश्न किसी ने नहीं पूछा। Thank you for asking this question, EQ team. कि आप CSR में क्या करते हैं, सोसाइटी को क्या वापस देते हैं? तो मैं पूरे इंडस्ट्री को ये भी मैं कहना चाहूंगा, हमारे साथी मित्रों को, कि भाई भगवान ने हमको दिया है और एक कंपनी हम नहीं चलाते, तो भगवान चलाते कुदरत। क्योंकि भगवान ने गीता में लिखा है कि भाई बुद्धिदाता मैं हूँ, आज क्या बोलना क्या करना वो अपने बस की बात नहीं, तो वो हमारे में आकर वो सबको रास्ता दिखाता है कि एक्सपेंशन करो नहीं करो, रुक जाओ ये करो नहीं करो। तो उसके अंतर्गत मैं यही कहूंगा इंडस्ट्री के लोगों को, ये जो भगवान ने हमें जो प्रॉफिट दे दो उसमें से 10% भगवान का भाग है। भगवान मीन्स कौन? तो कोई मूर्ति नहीं है, भगवान मीन्स नेचर है, कुदरत है। आप ट्री प्लांटेशन करो, आप सोसाइटी को गरीबों की हेल्प करो, आप कुछ ऐसा प्लान करो कि जो सोसाइटी में जिनका नीड है हरी आवाज। तो अगर गोल्डी सोलर हम लोगों ने हमारा जो फैमिली धुलकिया फैमिली हम लोगों ने जो हमारा गाँव है दुजाला गाँव अमरेली जिला में गुजरात में है पूरा गाँव सोलराइज किया है। 315 जो घर थे उनके ऊपर फ्री सोलराइज। आज हमारे गांव में सब इतने खुश है क्योंकि साल का 15-20 हजार रुपया उनका बचत होने लगा, उससे बच्चों का एजुकेशन में खर्च करने लगे, फैमिली में पैसा बचने लगा। तो ऐसा हमने वहां पर हमारी जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया और पूरा EPC डन बाय गोल्डी सोलर। और रिसेंटली हमने अभी 3 महीने पहले एक अनाउंसमेंट और भी किया कि जो डांग जिला है वहाँ पर आदिवासी लोग ट्राइबल्स वहाँ पर गोल्डी सोलर ने पूरा गांव को सोलराइज करने का हमने प्लान किया है, तो उसका काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो सोसाइटी को क्या देना है,
तो ये हम मैसेज देना चाहेंगे कि भाई आपको इनकम हो रही है, काम कर रहे हैं, तो आप सोसाइटी को वापस दो। ऐसे हम लोग गोल्ड सोलर, हम लोग जो वीडियो लोग हैं उनको हम हेल्प करते हैं, उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाए, उनको सिलाई मशीन देना, उनको कुछ अलग कुछ सिखाना, ट्रेनिंग करना, तो ऐसा बहुत सारा काम अंडर द गोल्ड सोलर CSR के वर्क में हो रहा है। आज मैं अगर गिनने जाऊँ तो 10 से 12 ऐसी चीजें की जो सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं हम लोग। तो आपने अच्छा कि ये प्रश्न पूछा, तो आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनको पता चलेगा कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। एग्जैक्टली सर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग विद, एंड डेफिनेटली इट विल मोटिवेट आवर व्यूअर्स एज वेल। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच, हैव यू गुड लक फॉर द EQ। हमने देखा है कि EQ का काम बहुत ही अच्छा है और इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी टीम है हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एकदम पॉजिटिव लोग हैं आप और एकदम अच्छे और पक्के समाचार आप सबको देते हैं, इसलिए हमको भी एज इंडस्ट्री आपके ऊपर गर्व है। तो सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन सर, थैंक्स अ लॉट।